ये टॉपिक पढ़ने के पीछे बेसिक रीजन क्या है, ये एनएमसी ने हमारे करिकुलम में ऐड क्यों किया है? प्लीज बेटा आ गया, ये कोई बताएगा मुझे क्यों ऐड किया गया ये टॉपिक? ओके, क्यों जरूरत है इस टॉपिक को पढ़ने की? क्या नाम है आपका ब्रदर? बड़े भाई, क्यों ऐड किया गया ये टॉपिक? हेलो, आपको पता है बात है क्यों? तो फिर लोग बात रही आराम से, एक घंटे बैठती एक बार एनएमसी बैठ करके मुन्ना भाई एमबीबीएस देख रहा था, तो जहीर ने बोला कि मैंने जीवन में कभी सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी, फिर भी मुझे कैंसर हो गया। तो इसका जवाब एनएमसी ने क्या किया भाई? इसका जवाब डॉक्टर्स को भी आना चाहिए कि जहीर ने कभी सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी, फिर भी उसको कैंसर हो गया। तो ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो बिना बुरी आदतों के भी बंदे को कैंसर कर सकते हैं या ऐसी बड़ी बीमारी कर सकते हैं? तो उनमें रिस्क फैक्टर समझ में आया पहला, क्या समझ में आया होगा पहला? क्या कह रहे हो? हंसी, खुशी भी कैंसर करती है। एक्सेसिव हंसी करोगे, सामने वाले को बुरा लगेगा, कान पटक देगा, कान का पर्दा फटेगा, वो सेल नहीं करेगा, इन्फ्लामेशन होगा, हील नहीं करेगा, कैल्सिफाइड होगा और कैंसर कर सकता है। और बताइए, बहुत बढ़िया, किसका बढ़िया है? फिर फर्स्ट ईयर में बढ़िया हो गया, फाइनल ईयर तक तो गायब भी हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला कारण जो समझ में आता है वो या तो कोई पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पीछे से लेकर आ रहा है, मीन जेनेटिकल, कोई कैंसर, कोई भी ऐसी डिजीज जो पीछे से चली आ रही है वो ऐसा कर सकती है, जिसको जेनेटिक कहते हैं। इसके अलावा जब जेनेटिकली चेक किया गया तो वो कुछ परसेंट, 0.5%, 1%, 2% अलग अलग डिजीज का अलग अलग है। तो नेक्स्ट कॉज क्या हो सकता है? फिर देखा गया कि दूसरा कॉज हो सकता है कि ये एनवायरमेंटल, क्या एनवायरमेंटल? एनवायरमेंटल को देखा गया तो एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट से मतलब क्या है? कौन मुझे बताएगा कि कैसे एनवायरमेंट डिजीज करते हैं? क्या होता है एनवायरमेंट, कोई मुझे बताइए एक एनवायरमेंट और उसकी डिजीज, एग्जांपल बताइए। एनवायरमेंट और डिजीज को आपको पढ़ना क्यों जरूरी है? जब पेशेंट से आप हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो किस एनवायरमेंट में रह रहा है, आधा डायग्नोसिस आप वहीं से कर सकते हैं। जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र पर रह रहा है, एनवायरमेंट है उसको आयोडीन डेफिशिएंसी होगी, थायराइड होगा, है ना। कोई मुंबई के झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, कोई लेडी है उसको एचआईवी होने के ज्यादा चांसेस है। एनवायरमेंट आपको पता है तो आपको डायग्नोसिस करने में इजी रहता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होंगे और क्या डिजीज होंगी, इसका एग्जांपल मैंने दो दिए, अब आप बताइए। अच्छा, डॉक्टर्स को बाई एनवायरमेंट कौन सी डिजीज होती है? डॉक्टर्स को बाई ट्यूबरक्लोसिस, ओके, मे बी पर आजकल इतना ट्यूबरक्लोसिस के लिए इक्विपमेंट्स हैं, मास्क वगैरह हैं, ड्रग्स हैं, और ट्यूबरक्लोसिस हर बंदे को है, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस बचपन में हम सब इंडियंस को हो चुका है। आप बताइए।
अच्छा, हम जो टीबी के लिए वैक्सीन लगवाते हैं वो हमारी किस टीबी से रक्षा नहीं करता है, सेफ नहीं करता हमको? कौन सी टीबी से सेफ नहीं करता? टीबी का वैक्सीन लगाते हैं ना, नाम सुना है? डीपीटी सुना है? बीसीजी सुना है? सुना है बीसीजी? कौन से डिजीज को हमें नहीं, कौन से टीबी को हमारे क्योर नहीं करता है, हमें सेफ नहीं करता है, किस टीबी से? बीसीजी हमें किस टीबी से सेफ नहीं करता है? इसका आंसर इतना इंटरेस्टिंग है कि आप सरप्राइज करोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आंसर आपको सर्च करना है, कौन सा टीबी है जिससे बीसीजी नहीं बचाता है। गेट लगा दीजिए, गेट लगा दीजिए। मैं देख केवल डांट रहा हूं, पेशेंट जूते मारेगा तो 15 मिनट लेट जाओगे उससे पेशेंट के पास। इधर वाले बुला ले बेटा, ये रवैया ठीक नहीं बेटा, इधर आइए आगे। पिकनिक नहीं है, प्रोफेशन है आपका। गेट लगा। तो मेरा सवाल ये है कि बीसीजी किस ट्यूबरक्लोसिस से हमें नहीं बचाता है, ठीक है? और इसका आंसर आप सर्च करेंगे तो आपको मेडिसिन में मजा आ जाएगा कि आखिर हम ये बीसीजी लगाई क्यों रहे हैं जब ये इस स्पेशल टीबी से हमें नहीं बचा सकता। इसको आप जरूर सर्च कीजिए। आगे चलते हैं। मेरा सवाल ये था कि कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर डॉक्टर्स को कैसे इफेक्ट करता है, जिनको हम ऑक्यूपेशनल रीजंस कहते हैं किसी भी डिजीज का। तो डॉक्टर्स के लिए स्पेशली कौन सी डिजीज है जिसको उसका ऑक्यूपेशन परेशान करता है और उसका कुछ नहीं कर सकता वो? तो जो सर्जन होते हैं उनको वेरिकोज वेन होता है ना, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लॉन्ग एक्सटेंडिंग सर्जरीज होती है, उनमें सर्जन खड़े रहते हैं और उनको क्या डिजीज हो जाती है? वेरिकोज वेन। मुझे पता है कुछ डॉक्टर के दिमाग में आ रहा हो कि हम सब सिगरेट पीते हैं, लंग कैंसर और अदर जो अस्थमा एंड ऑल हो सकते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी चीज है, वो हमारा ऑक्यूपेशन नहीं है। सिगरेट पीना हमारा एक ऑक्यूपेशन थोड़ी है, शौक है, जिनका है उसका, मौत के सौदागर है उसका। तो ऑक्यूपेशन जो है वो है वेरिकोज वेन और लॉन्ग एक्सटेंडिंग की वजह से, ठीक है? अब बात करते हैं हम कि जहीर ने क्या खाया होगा कि उसको कैंसर हुआ बिना सिगरेट दारू पिए। नए लोग जो आए हैं अंदर, अभी कौन सी जगह कहाँ बैठे हैं? हाँ, जहीर कौन है? अच्छा, मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो जो लड़ता था ना, क्या नाम था उसका? जहीर। तो उसने सवाल किया था कि मुझे क्यों कैंसर हुआ जब मैंने दारू सिगरेट नहीं पिया। तो एनएमसी ने ये चैप्टर जोड़ा है आपके जहीर के जवाब देने के लिए। तो आपको ऐसे बहुत सारे जहीर मिलेंगे जो आपसे सवाल करेंगे कि मैंने तो ये सब कुछ किया ही नहीं तो मुझे बीमारी क्यों, ठीक है? तो उसका फैक्टर है एनवायरमेंटल। अब एनवायरमेंटल में जो आपके लिए एज ए स्टूडेंट और यंग बंदे, एनवायरमेंटल का कौन सा फैक्टर जो है वो आपके लिए सबसे नुकसानदायक है, मतलब आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो एनवायरमेंट में आए, मतलब इसको उसकी वजह से कोई डिजीज हो, क्या है सबसे खतरनाक चीज जो आप नहीं चाहते कि बंद हो और हमें कुछ ऐसी बीमारी हो? आप हमेशा चाहेंगे कि ये हमें मिलता रहे? ऑक्सीजन से कैंसर होता है, ये आज एक नई खोज की है। बैच कौन सा है आपका? 23 बैच के एक बंदे ने खोज की है, इसको स्वर्णिम अक्षरों में लिखेंगे हम। ओके, अच्छा, आप लोग बर्गर फार्म जाते हैं, नथिंग बिफोर कॉफी जाते हैं,
और भी कहीं बाहर जेएफसी जेएफसी जो भी नाम होते हैं सब जगह जाते हैं, कई लोग मुझे वहां भी मिलते हैं। क्या कहते हैं वो एक बार में मॉल खुला है ना, कौन सा जो भी है, दो तीन मॉल है यहाँ। सवाल उनका ये मुझसे रहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और मेरा सवाल उनसे रहता है ठीक है आप तो यहीं मिलेंगे। तो फूड, जो टेस्टी फूड हम खाते हैं उसमें जो पार्टिकल्स उनको टेस्टी बनाने, देखिए आप उस फूड को घर पे बनाएंगे आपको लगेगा वो स्वाद नहीं है, है ना, लेकिन वो आप वहां पर होटल रेस्टोरेंट उस पर खाते हैं आपको बड़ा टेस्टी लगता है। जो आपके पास में ये खंडेलवाल ढाबा है, ऐसा ही खंडेलवाल ढाबा सीकर रोड पे इससे छापा पड़ा, तो छापा पड़ने के बाद वहां आप कोई कस्टमर नहीं जाता। कारण क्या है, उनका जब फूड चेक किया गया उस पनीर में प्लास्टिक मिला, क्या मिला, प्लास्टिक से बना हुआ पनीर। अब ऐसे सीधा प्लास्टिक तो नहीं डाला होगा ना, कुछ ऐसे केमिकल जो प्लास्टिक को इस तरह से बना देते हैं जैसा वो पनीर लगे। और बहुत ही बड़ी बात यह है कि सरस फैक्ट्री, नाम सुना है आपने, सरस की बहुत बड़ी फैक्ट्री जो सरस की नहीं थी वो अलवर में पकड़ी गई। अलवर जिला इसके लिए बहुत फेमस है, हर चीज नकली बनाता है डिग्री छोड़कर, डिग्री का मुझे पता नहीं, डिग्री भी बनाता ही होगा, एक मेडिकल कॉलेज है वहां पर वो ESI का है, तो वो केंद्र से होता है तो इसलिए मुश्किल है। पर हाँ उन्होंने एक सरस के बराबर में एक नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री चालू कर रखी है जिसका दूध सरस के डिस्ट्रीब्यूटर ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब हमें पता नहीं कि हम कौन सा सरस पी रहे, पर ये सोसाइटी हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ, अगर हमने ऐसे भैंसे पालना शुरू करी तो एक मेडिकल कॉलेज से भी तबेला ही होगा। तो फूड आइटम, फूड आइटम्स में जो एडल्ट्रेंस हो रही है वो हमारे लिए सबसे नुकसानदायक है। इस समय जो सबसे शुद्ध आ रहा है वो क्या है, दारू, वो हम सब नहीं पीते क्योंकि वो अंदर जाके सबको अशुद्ध कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तुम रोटी पानी छोड़ करके आज से मेरी एक ही डाइट, ऐसा नहीं चलता। लेकिन उससे भी बिहार में जब दारूबंदी हुई, जो सबसे ज्यादा उस साल की मौतें हुई वो नकली शराब की वजह से हुई। तो ऐसा मत सोचिए कि जो शराबी हैं वो सेफ है, उनको भी बराबर इसके फूड आइटम से, क्योंकि वो मेथेनॉल का मेथेनॉल हो गया, मेथेनॉल पॉइजन हो गया, मटके में शराब बनी थी, अंदर कोई रिएक्शन हो गया, जब गली कूद गई और कम से कम एक गांव के 40 मर गए, 40 पर डे क्या करते थे भाई मेरा कल आज में सुनाएगा, फिर वो कब्र में दफन हो गया। तो ऐसा फूड आइटम सबसे ज्यादा एनवायरमेंटल जो हमें नुकसान करते हैं आप यंग एज में, और आज की तारीख में जिस तरह से कैंसर एपिडेमिक हो रहा है उसका मेन रीजन क्या है, फूड आइटम जो हम खा रहे हैं। हमें लगता है होटल का खाना जो है बड़ा ही वाहियात बकवास है, इसको 7वें दिन कौन खा सकता है, मेरे से तो 30वें दिन ही नहीं खाता, ऐसे मानी जो डायलॉग रहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाहर का खाना है वो आप आराम से महीने खा सकते हो, साल खा सकते हो, लेकिन वो आपके अंदर एक डिजीज डेवलप कर रहा है। तो पहला क्या है, एनवायरमेंटल में जो सबसे रिस्की है वो है फूड, ठीक है। और फूड में क्या चीजें हैं जो आपको नुकसान करती है, हम खाने के बाद शौक फरमाते हैं, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हमारे देश के एनवायरमेंट में जहाँ 40-35 इसका टेम्परेचर रहता है, उस कोल्ड ड्रिंक को उसी कंसिस्टेंसी में बनाए रखने के लिए हमें उसमें कुछ ना कोई केमिकल मिलाना पड़ता है, और उस केमिकल को मिलाने का नतीजा क्या होता है कि जब हम उसे लेते हैं तो इस तरह के जो स्टमक कैंसर हैं वो बढ़ रहे हैं। मैं ये सब आपको बता रहा हूँ और ये सब मैं भी खाता पीता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क। और अर्ली चाइल्डहुड जो बच्चे होते हैं छोटे, यहाँ तक कि 12 साल तक के,
इवन 18 कहा गया है पीडियाट्रिक के हिसाब से, तो 18 साल तक के बच्चों को इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, सब उल्टा हो रहा है। बच्चे के पेरेंट्स और बच्चे सबसे पहले बच्चों फास्ट फूड पर लेकर जाते हैं, और फास्ट फूड हमारे देश की नीड नहीं है। फास्ट फूड उन फास्ट देशों की नीड है जिनके पास, जिनमें किसी के पास समय नहीं है खाने बनाने का, और उनके यहाँ उसकी बहुत सिक्योरिटी है, बहुत टाइट निगरानी में विजिलेंस में उसको बनाया जाता है। और अगर उनके कोई पॉइजन निकलता है या कुछ वैसा होता है तो सीधा जेल या मौत है। चाइना का एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। एक दूध कंपनी जो पैकेट दूध बनाती थी, उसकी जब जांच की गई तो उसमें विनाइल नाम का एक सॉल्ट निकला, तो उसको प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है वो, बाद में पता चला टेरेटोजेनिक है। तो चाइना गवर्नमेंट ने कंपनी बना, कंपनी मालिक, उस क्षेत्र के मंत्री और उस खाद्य मंत्री, तीनों को चौराहे पे फांसी दे दी, क्योंकि आपने कई मर्डर किए। आप सिंगल मर्डर नहीं हो, आपका दूध कई सालों से चल रहा है और सोसाइटी में एक जगह पर उन्होंने एक बंदे को भी मारा है। करीब करीब पूरे चाइना में इस तरह का फैला दिया है। तो ये वहां पर इतनी टाइट है। हमारे देश में क्या है, वो प्लास्टिक भी मिला है तो कितने लोगों को पता है, खंडेलवाल ढाबे पे कार्रवाई, कितने लोगों को पता है, तो गिने चुने। मतलब मेरी क्लास छोटी थी, उसमें भी अगर इसको पूरा 250 भी मान लिया जाए, 10 बच्चे ये 3 बैच और मान लिया जाए तो 40 लोगों को पता है। एक दूसरी कार्रवाई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जयपुर में, कौन सा बताइए, हाईवे किंग। हाईवे किंग का पता है क्योंकि वहां बियर मिलती है, तो इसलिए है ना, तो इसलिए पता है। तो हाईवे किंग पे कार्रवाई हुई। हाईवे किंग की कितनी सीरीज है आप सब जानते हैं, पूरा दिल्ली रोड और कोई भी हाईवे उस पर उस जगह का लोकल MLA MP वहां पर हाईवे किंग खोलता है, और हाईवे किंग पे फूड की क्वालिटी क्या है, तो हम कहीं बाहर जाकर खाने लायक नहीं। तो जितना हो सके कम से कम हैबिट, ज्यादा से ज्यादा हैबिट ये रखें कि बाहर का नहीं। तो पहला एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है जो हमें डिजीज करता है, वो फूड। क्या हम जो इस क्लास में सीखेंगे वो ये सब लिखा है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। बाकी मैंने बता दिया है कि हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ा है जहीर के आंसर देने के लिए, ठीक है। इसमें हम क्या मिनरल्स हैं जिनकी जरूरत है और उनको कौन सप्रेस करता है, इसकी वजह से हमारी डिजीज होती है, ठीक है, इसको कवर करेंगे। आप इसको एक बार देख लीजिए, कुछ चीजें हैं जो कार्सिनोजन है, सीधा कैंसर करती है। टेरेटोजन है, नेक्स्ट पीढ़ी के लिए व्यवस्था करती है। म्यूटेजन है, म्यूटेशन करती है। न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, नर्वस सिस्टम को हिला देते हैं। और आजकल आपने सुना होगा, देखा होगा, आपकी उम्र में ही लोग बच्चे आते हैं कि मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं, है ना, फिर से बैलेंस अटैक्सिया हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि धरती हिल रही है, पर ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसी शिकायत होती है कि आपके रूममेट से कोई एक तेजी से भागकर गेट के बाहर जाता है, आप उससे पूछते होता है कि हुआ क्या भाई, भूकंप आ गया, आप कहते हैं यार यहाँ तो कहीं कोई इस तरह की हलचल नहीं, कैसे तू भागा। इवन मेरा रूममेट तो कांच तोड़ के भाग गया, मैंने उससे पूछा भाई तूने ऐसा क्यों किया, बोले भूकंप आ रहा है, मेरे को तो नहीं लगा। लेकिन हाँ, ऐसा किन पेशेंट के साथ होता है, तो सीवियर एल्कोहलिक होते हैं और तीसरे दिन उनको नींद मिलती है ना, तो 72 आवर्स जब बिना एल्कोहल के कट जाते हैं तो उन्हें डेलिरियम ट्रेमेंस आता है, उनको ये लगता है कि अब दुनिया खत्म है और पूरी दुनिया हिल रही है।
जो आपको महानुभाव खंबे से लिपटे मिले, कीचड़ में पड़े मिले, खड़े होने में तकलीफ हो, या उसको 4 लोग लेकर आ रहे हो, इसका मतलब उसकी पहली हिस्ट्री क्या है, लास्ट दारू कब मिली थी, तो बताएगा 72 आवर्स बिफोर। डेफिशिएंसी कौन सी हुई, एल्कोहल जो एक्सेसिव लेते हैं उनको थायमिन थायमिन डेफिशिएंसी होती है। कौन सा विटामिन है, बी1, विटामिन बी1, ठीक है। तो वो 72 आवर बाद होता है और उसका इलाज क्या है, तो इलाज है उसके, तो थायमिन दे दी जाए या दारू दे दी जाए, ऐसा करना पड़ता है। कई बार आपके पास छोटे शहर में व्यवस्था नहीं होती ऐसे मल्टीविटामिन की, तो आप उनको थोड़ा एल्कोहल दे करके और बड़े सेंटर पे पहुंचा देते हैं। ऐसा नहीं है, नफरत नहीं करना दारू से, नफरत नहीं करना, ठीक है। ये बना भी जो एल्कोहल है ये मेडिसिन के लिए बना था पहले, लेकिन उसके बाद आपने उसका मिस यूज किया। ओके, पहला है लेड पॉइजनिंग। इसमें जो हाइलाइटेड है ये रेड कलर से, ये इनको ये सोर्स है, आप लिख लीजिए सोर्स ऑफ, अगर आप लिखना चाहें तो। सोर्स ऑफ लेड पॉइजनिंग है पेंट, लेड पाइप, सिगरेट, अच्छा कितने लोग जानते हैं पॉजिटिव एजेंट और रिस्क फैक्टर में क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव एजेंट और रिस्क फैक्टर में क्या डिफरेंस है। पॉजिटिव एजेंट और रिस्क फैक्टर में क्या डिफरेंस कितने लोग जानते हैं। देखिए इसका इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है, मैं पूछ इसलिए रहा हूं, कई लोग ये कहते हैं कि उसने तो बचपन से बुढ़ापे तक सिगरेट पी लेकिन उसको कैंसर नहीं हुआ, और हमने तो कभी एक तो ही पी होगी, हमें हो गया है ना ऐसा, या जब तक मैं गुटखा खाता रहा मुझे कैंसर नहीं हुआ लेकिन जैसे ही मैंने गुटखा छोड़ा कैंसर हो गया, ऐसे सवाल होते हैं। तो कॉजिटिव एजेंट जो डिजीज का सीधा कॉज है, समझा, डिजीज का सीधा कॉज है वो है पॉजिटिव एजेंट। जैसे टीबी हुआ तो एक बैक्टीरिया है वो सीधा पॉजिटिव एजेंट है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। लेप्रे हुआ, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, माइक्रोबैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम है तो सीधा कॉज है, तो वो सब पॉजिटिव एजेंट है, अगर वो शरीर में जाएगा तो बंदे को टीबी हो। हम जो ये एनवायरमेंटल पढ़ रहे हैं ये क्या है, रिस्क फैक्टर्स हैं, समझे, ये क्या है, रिस्क फैक्टर है। अगर ऐसे एनवायरनमेंट में कोई रहेगा तो उसको ये हो सकता है, हो सकना और होना ये डिफरेंस। हम क्या पढ़ रहे हैं, रिस्क फैक्टर। जब पेशेंट ऐसी बातें करता है तो आप उसको बताएंगे कि आप उस रिस्क फैक्टर में थे, ठीक है। देखिए हम सब न्यूज चैनल देखते हैं, है ना, कुछ लोग अति हिंदूवादी हो जाते हैं, कुछ लोग अति मुस्लिमवादी हो जाते हैं, कुछ लोग न्यूट्रल रहते हैं, है ना, न्यूज चैनल वही है, लोग अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, न्यूज चैनल क्या है, रिस्क फैक्टर है आपको कुछ भी तरह का डेवलप करने के लिए। जैसे ये क्लासरूम है, मैं यहाँ का रिस्क फैक्टर हूँ, कुछ लोग इससे कुछ सीखेंगे, कुछ लोग इससे नहीं सीखेंगे, लेकिन रिस्क फैक्टर में आप बैठे तो होने की चांस ये है कि आपको सीख सकते। तो रिस्क फैक्टर आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है एक डिजीज को डेवलप करने के लिए, तो आप रिस्क फैक्टर में तो डिजीज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रिस्क फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। अब हमने ये बात की, तो साफ साफ कह रहा है कि 1 पैक ऑफ सिगरेट कंटेन 15 माइक्रोग्राम ऑफ लेड, ठीक है ना, लेड पॉइजनिंग हम जानते हैं, लेकिन क्या आपने देखा है कि हर सिगरेट पीने वाला लेड पॉइजनिंग से मर रहा है, ऐसा कभी होता है, जबकि वो 15 माइक्रोग्राम पर सिगरेट पर अपने अंदर लेड लेकर जा रहा है। लेड फिल्टर लगे होते हैं सिगरेट के पीछे वाले हिस्से पर,
जिसको आप धुएं का फिल्टर कहते हैं, कि धुआं अंदर जाने क्या, कौन सी थ्योरी है आप लोगों की, लेकिन वो फिल्टर है, वो अंदर कोई भी बिग पार्टिकल लार्ज पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देता, ऐसा वो प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। लेकिन वो प्रॉमिस उतना ही झूठा है जितना झूठा ये है कि मास्क लगाने से कोविड नहीं होता, ठीक है, ये उतना ही झूठा है। कैसे? कोविड के जो वायरसेस हैं वो इतने माइक्रोन छोटे हैं कि जितना होल अपने ये मास्क में होता है वो तो कभी नहीं रोक सकता। अगर मास्क के अंदर आपको मसाले की खुशबू आ सकती है, आती है ना, आपने मास्क लगा रखा और घर पे खाना बन रहा होता है ऐसा तो नहीं खाने की खुशबू नहीं आती, अगर आप कोविड नहीं है तो आती है ना। खुशबू के कण से छोटा होता है वायरस, स्मेल के पार्टिकल से छोटा होता है वायरस। जब आपको स्मेल आ सकती है तो वायरस तो नहीं आ सकता। तो ये जो भी धंधा किया गया विगत कुछ सालों में उनसे ये पूछ सकते हैं, तो ये उतना ही झूठा है फिल्टर का, फिल्टर लगा करके कि हम पॉइजन अंदर नहीं जाने देंगे, जितना कि वो वायरस से मास्क थ्योरी। कोई मास्क नहीं रोक सकता, जब स्मेल अंदर जा रही है तो वायरस तो अंदर जाएगा ही जाएगा। अच्छा ठीक है, ये छोड़ दीजिए। जब मेरी भरतपुर ड्यूटी थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ पर बड़ा एक फंडा चला कि सारे वो स्वीपर्स थे, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा थे तो स्वीपर सारे भाग गए, उनको लगा कि हम मारे जाएंगे। वो भागे क्यों? क्योंकि उन्हें शौचालय वगैरह साफ करने पड़ते थे, बाथरूम वगैरह। तो ये हुआ कि वो फ्लो ऊपर आ गया सारा, जब पानी एक साथ छोड़ा गया क्योंकि सारी पोटीज भरी हुई थी, फ्लो सारा ऊपर आ गया तो वो सारे स्वीपर भाग गए। वो वर्क के प्रति ऐसा नहीं था कि उनको नफरत थी कि ऐसा कुछ है, लेकिन उनको डर हो गया कि हमारी ये डिजीज हो सकती है, तो भाग गए। उनसे ये सवाल किया गया, भाग कर कहाँ गए, बाहर जाकर बैठ गए, वो भी बिना मास्क लगाए, जस्ट बात कि हम नहीं करेंगे साहब ये, हम भी मर सकते हैं। तो हम वहां गए, हमने पूछा भाई यहाँ आपको स्मेल आ रही है? बोले हाँ आ रही है। बोले यहाँ जो बीमारी है वही वो बीमारी है, कोई डिफरेंस नहीं है। वो नहीं माने, तब डॉक्टर आप जैसे लोगों ने वो झाड़ू और वो जो सफाई वाला मामला है वो उठाया और सबकी लैट्रिन साफ कर दी, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें ये सेंस है, हम लोग बड़े क्यों हैं? क्योंकि हम हर वो काम कर सकते हैं जो दूसरा छोड़ देगा, क्या हम हर वो काम कर सकते हैं जो दूसरा हमें धमकाए कि नहीं ये नहीं हो सकता, है ना, हम नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं। डॉक्टर ऐसी कौम है, उसको ऐसे ट्रेंड किया जाता है फ्रॉम एनाटॉमी टू मेडिसिन, इस दुनिया में सैटेलाइट तक पहुंचने तक, चांद तक पहुंचने तक आपको सब पढ़ा दिया जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर। तो इसलिए आप कभी घबराना मत कि सोसाइटी में अपन कैसे रहेंगे, आपको पूरी सोसाइटी पढ़ा दी जाएगी अगर आप रियल में क्लास में पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो मेरा बताने का रीजन ये था कि उनको ये अनभिज्ञता थी, उनको ये जानकारी नहीं थी, ये पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, स्मेल पार्टिकल्स में चलती है, इसकी उनको जानकारी नहीं थी। तो वायरस तो उससे भी छोटा है और इसका फायदा हम डॉक्टर्स ने उठाया, ने भी उठाया, मास्क बेचे, मेडिकल स्टोर्स ने उठाया, ऐसी ऐसी दवाइयाँ बेची जिनका कोई लेना देना नहीं, आज वो डिजीज कर रही हैं, किसी को सडन MI आ जाता है, किसी को कुछ आ जाता है, वो उसके पीछे पे टीके को दोषी बता रहे हैं, वो सारे फंडे चलते रहते हैं। लेकिन उनको समझाइए, जो टीके को दोषी बताते हैं वैक्सीन को, उनको बताइए कि जिसके घर में एक भी मौत हुई है उसके घर जाकर पूछ लें कि वो मरने वाला बंदा क्या सोच रहा था कि काश उसके मरने से पहले वैक्सीन आ जाता, उसकी पूरी फैमिली यही सोचती, शायद उसके मरने से पहले वैक्सीन आ जाता तो वो बच जाता था, ठीक है। ऐसे आंसर आपको देने होंगे। ओके, ये पेंट है जो लेट पॉइंट करते हैं।
ये क्यूम्युलेटिव पॉइजन होता है, धीरे धीरे इकट्ठा होता है बॉडी में, है ना, फिर असर करता है। बहुत थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, आप नहीं लिखिए, आप पढ़ लेते हैं। ये मिसकैरेज करता है, मेंटल रिटार्डेशन करता है। लेड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट आप लिख लीजिए और या फिर याद कर लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है, है ना, क्योंकि क्रैब साइकिल को डिस्टर्ब करता है लेड, याद है, पता है, ये पूछा जाता है। कैल्शियम क्लोराइड एडिकेट जो है इसका ट्रीटमेंट है, एंटीडोट कहते हैं, पेनिसिलिन, पेनिसिलिनामाइड, लिख लिया आपने। मर्करी पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग के दो ट्राइड हैं जो आपको याद रखने हैं। ये जो एलिमेंटल मर्करी है इसका ट्राइड होता है, जिसको हम कहते हैं एरिसिस, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एरिसिस। इसके जो ट्राइड है इंसोमनिया, ये सॉरी ए बी सी, ये ट्राइड लिख लीजिए एरिसिस। ओरल रीजन, ट्रेमर, साइकोलॉजिकल चेंज, ये मर्करी के एलिमेंटल ट्रायड है। ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में आता है, दो तरह के मर्करी है तो उसमें से एक ये दोनों के ट्रायड है, ये एलिमेंटल का। ओके, ओरल लीजन, ट्रेमर्स एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। चेंजेस क्या है, इंसोमनिया, शाइनेस, इमोशनल इनस्टेबिलिटी, मेमोरी लॉस। और ये हॉलमार्क है करिटिज्म के, ये तीन सिम्टम। ओके, अगला है ये मिथाइल मर्करी और ऑर्गेनिक मर्करी, ठीक है, और ऑर्गेनिक मर्करी कहलाती है मिनामाटा डिजीज। क्या कहलाती है, मिनामाटा डिजीज। और मिनामाटा डिजीज देख लिया ना, इसका भी क्लासिकल ट्रायड है ये, इस अर्थ में बोलने में तकलीफ, अटैक्सिया, चलने में तकलीफ, विजुअल फील्ड में दिक्कत, ठीक है। जब कभी आपको इस तरह के पेशेंट मिले तो आप उसके फूड में चेंज कराइए, कि कुछ ऐसा वो खा रहा है जिसकी वजह से उसको ये मर्करी अंदर जा रहा है और इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, या वो पानी पी रहा है उसमें कोई दिक्कत आ रही है, आरओ की सेटिंग में कुछ दिक्कत है, जबरदस्ती आरओ का पानी बहुत ज़्यादा फिल्टर करके पी रहा है, या केवल फिल्टर्ड वाटर पी रहा है, जिनको आप क्या कहते हैं, मिनरल वाटर, नाम उनका मिनरल है बट उनमें मिनरल नहीं है। मिनरल वाटर की ये बहुत बड़ी खासियत है, उसका पीस तो टीडीएस रहता है, मैक्सिमम 40 रहता हो, टीडीएस से 20-30 है तो उसमें मिनरल नाम की तो चीज़ हो ही नहीं सकती। आप कभी उसका चेक कर लीजिए, हमें 150 से ऊपर टीडीएस चाहिए हमारे मिनरल्स को पूरा करने के लिए। हम अपने घर के आरओ का टीडीएस भी 80 करके रखते हैं, मैक्सिमम कोई कर लेगा तो 100 कर लेगा, जबकि जो टीडीएस मिसल कुर्बान से आता है 180 के करीब, वो हमारे लिए परफेक्ट है। बीसलपुर से आने वाले पानी के लिए हमें आरओ की जरूरत नहीं है, बीसलपुर से पानी आने वाले पानी के लिए हमें फिल्टर की जरूरत है, फिर कई बार आउटर से कुछ मिक्स हो जाता है। आरओ पॉइजन को खत्म नहीं करता, बैक्टेरियोसाइडल नहीं होते हैं आरओ, ठीक है, फिल्टर की तरह ही काम करते हैं, लेकिन क्योंकि फैशन चला है पानी बर्बाद करने का तो मेरे घर में भी आरओ है, ठीक है। नहीं, मेरे घर में आरओ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर बीसलपुर पानी नहीं आता, लेकिन हमारे सबके घरों में तो वहाँ के लोकल डैम का या कहीं का पानी आता होगा, तो वहाँ पर आर ओ की जरूरत नहीं है। लेकिन आर ओ फैक्ट्रीज, अब एल्कलाइन वाटर मिल रहा है, अभी काला पानी, नीला पानी, पीला पानी, बहुत सारी चीज़ें, वो सब डिजीज करते हैं। आप ये तय मान के चलिए जो भी फैमिली में एक तरह का तेल यूज़ होता है, ऑयल, वो सब हार्ट डिजीज
को सपोर्ट करते हैं, जैसे जहाँ केवल मूंगफली यूज हो रहा है, जहाँ केवल सरसों यूज हो रहा है, या तरह तरह के जो भी फिक्स तेल है, उनके घर में एक थ्योरी आ गई है कि मैं सफोला ही खाऊंगा अपने क्लास के बाद। तो हमेशा मिक्स तेल खाने चाहिए, किसी तेल में कुछ कमी है कुछ अच्छा ही, ठीक है ना। घर में आप अपने घर में ही चेंजेस कीजिए, आरओ की सेटिंग, तेल, ये सब एनवायरमेंटल के लिए, एनवायरमेंटल इसी के लिए पढ़ाया जाता है। ओके, अगला है एलिमिनेट टॉक्सिसिटी। आप केवल नाम लिख लीजिए, इसके बारे में पढ़ लीजिए बाद में। एल्यूमिनियम यूज कहाँ होता है तो आप सबको पता है, बिल्डिंग्स बनते हैं लोहे की जगह एल्यूमिनियम यूज होते हैं, इससे जंग नहीं लगती है ना। अगला, एल्यूमिनियम करता क्या है, आपके दो बड़ी डिजीज, फोन ब्यूरो ट्रांसप्लांट से कॉल है, कृतिका नाम से, मैं तो सब्जेक्ट है 8 बजे का, हाँ अर्जेंट भेजा गया था इस पर आते फोन ब्यूरो ट्रांसप्लांट सब कुछ ध्यान था। फिर है अगला आर्सेनिक पॉइजनिंग, टाइप डाउन आर्सेनिक पॉइजनिंग। देखिए ये आपके लिए कितनी डेंजरस चीज है, जो आप लोग सेब को बिना छीले खाते हैं, जो लोग उनको ये बीमारी होती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सेब, सेब का जो मोस्ट मिस्टर पार्ट है वो छिलके में होता है, लेकिन उस छिलके की इन्होंने ऐसे कर दी, उस पर आर्सेनिक डाल दिया उसको चमकाने के लिए, ठीक है, लेकिन हम उसे नहीं खा सकते। एंड प्लीज डोंट ट्राई टू ईट दैट। कुछ लोग कहते हैं उबाल के खाओ, कुछ कहते हैं पॉलिश लगा के खाओ, कुछ कहते हैं कई देर तक पानी में रखो, बहुत सारे रीजन बताएंगे आपको, लेकिन जो बॉन्ड उसका सेब की स्मेल के साथ बन गया, सेब लाइव होता है जब अपन उसको खा रहे होते हैं, लिविंग होता है मरता नहीं, तो जो बॉन्ड उसका उसके सेल के साथ बन गया उसको उबालने से नहीं तोड़ सकते, कोई बैक्टीरिया नहीं, और अगर ब्रेक होगा तो सेब के अपने प्रोटीन भी ब्रेक होंगे, कुछ उबालने का अगर थ्योरी बताते हैं तो वो हमारे किसी काम का नहीं है उबाल के खाने के बाद। इस तरह से आजकल एक्सेसिव उबली हुई सब्जियां हम खाते हैं वो हमारे किसी काम की नहीं, लेकिन वो हमारे एक काम की है, वो हमारा फाइबर बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, जिससे कि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, उसके अलावा उनमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम इतना सब्जी को उबाल देते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, हमारा फैशन है, हम ऐसे जीते हैं। ओके, फिर कहते हैं कि मैं स्वस्थ नहीं रहता, मैं जल्दी बीमार हो गया, मैं जल्दी मर गया, है ना। ओके, अगला है साइनाइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग तो सबने सुना है ना, बहुत सारे केसेस होते हैं सिगड़ी जला करके सो गए और परमानेंट सो गए। पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, इनके केसेस आपके पास बहुत आएंगे, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के केसेस जो है, आपको अगर आप पीएचसी पे बैठे हैं तो लोग अपने घरों में छिड़काव, अपने खेतों में छिड़काव करते हैं, और छिड़काव करने के साथ साथ कुछ तो पेड़ खाते हैं, कुछ तो खुद खाते हैं, या फिर घर में लड़ाई हो गई तो औरत या आदमी इसको खा करके आपके पास आएगा, उसको लगता है कि सबसे ईजी मौत है,
लेकिन जब उसके सिम्टम्स आते हैं तो उसको लगता है कि बस आज खा लिया, आगे कभी नहीं खाऊंगा, लेकिन वो 72 घंटे तक हम उसे बचा नहीं सकते, वो खत्म हो जाए। ये सब लग चुका है, अब लगेगा। तो में जो डेथ होती है, अगर आप में से किसी का सुसाइड का मन करे, जो कि बहुत ही बेवकूफाना हरकत होगी लेकिन फिर भी मन कर सकता है किसी का, तो इन दोनों को यूज नहीं करना। और मरने का कोई बेस्ट वे नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि एनेस्थेटिक एजेंट्स लेकर के आसानी से मरा जा सकता है, तो उसके भी अपने बहुत तकलीफ देह होते हैं। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता हो, ऐसा कभी मन करे, तो एक बार अपने आप को सेंसिटाइज करना कि भाई इतना सा लेकर के देखता हूँ तो क्या सिम्टम्स रहते हैं। ऑल्दो सुसाइड किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, ऐसा ब्रेन में आना भी नहीं चाहिए, लेकिन किसी कारणवश किसी को लगा किसी की लुगाई भाग गई, अब उसका जीवन खराब है, तो वो ट्राई करना कि 3 दिन रुक जाना, या तो लुगाई वापस आ जाएगी नहीं तो दूसरी आ जाएगी। तो इसलिए नहीं, दुनिया में आपके साथ जितना भी बुरा हो, हाँ जितना भी बुरा हो 3 दिन रुक जाइएगा, है ना, 3 दिन में समाधान हो जाए। हमारे यहाँ पर आपने सुना होगा यात्राएं चलती हैं गाँव में, शहरों में भी चलते हैं, आई डोंट नो, यहाँ से फला माता तक, यहाँ से वहां तक उन देवता तक, या हज की यात्रा या जो भी है, इनका फंडा क्या है, क्यों चलाई जाती है, क्यों चलाई जाती हैं ये सारी, ये करीबन 3 से 7 दिन तक की यात्राएं होती हैं, कुछ कुछ 24 आवर्स की भी होती है। तो आदमी जितना ज्यादा परेशानी होता है वो उतनी जल्दी यात्रा को सेलेक्ट करता है। यात्रा करने से भगवान जी क्या देता है वो पता नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट में इतना चेंज हो जाता है उसके ब्रेन के चारों तरफ से, उसको ये समझ में आ जाता है कि जो और मेरे साथ आए हैं उनको मेरे बराबर या मुझसे ज्यादा तकलीफ है। ठीक है, जो पेशेंट मरने की सोचते हैं उनको पहली यात्रा कहाँ की करनी चाहिए, नहीं काटू अमरनाथ सब अलग बात है, जिनको मरने का ज्यादा शौक चढ़ा उनको पहली यात्रा करनी चाहिए कैंसर डिपार्टमेंट। ठीक है, जहाँ पर वो उनकी वो इतना जीना चाहते हैं कि आप बॉडी का कोई भी ऑर्गन काट दीजिए, कहीं से कुछ भी सिल दीजिए, पर हमें अगले 6 महीने दे दीजिए। कितने महीने, वो 6 महीने के लिए ऐसे तड़प रहे हैं कि आप कुछ भी कर दीजिए, यहाँ से आप बताइए, यहाँ से पेक्टोरिस मेजर को काट करके यहाँ पर गाल पर चिपका देना, उसके बाद वो बच्चा कैसा लगता है, वो पेशेंट कैसा लगता है, इतना बड़ा स्कार ये चिपका हुआ, फिर भी उसकी यही जिज्ञासा है कि मुझे जीना है। ऐसे जगह पर यात्राएं पहली करनी चाहिए, जिसको भी जिस गधे को भी ये ब्रेन में आए कि उसकी समस्याएं उसके माँ बाप से बड़ी हैं, माँ बाप की चाह से अगर उसकी समस्याएं बड़ी हैं उसको सबसे पहले कैंसर डिपार्टमेंट में विजिट करना चाहिए। ठीक है, आज स्टडी पैटर्न में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये सब आपको ऑनलाइन मिल जाता है, आप ये सब पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आप ना आप एक्सेसिव भावुक कहते हैं ना, इमोशनल, आपकी जो अभी जो पीढ़ी है और आगे जो पीढ़ी आएगी वो उनका इमोशन भावुक अपने ऊपर कंट्रोल कम होता जा रहा है, वो अपने पेरेंट्स से ही झगड़ जाते हैं अपने दोस्तों के लिए। दोस्त आपको कितने साल की उम्र में मिले होंगे, कितने साल की उम्र में मिले आपको सबसे नियर दोस्त, आपको अगर 0 डे पर भी मिला, कितने डे पे, 0 डे पे भी, तो भी आपकी माँ आपसे 9 महीने पहले मिली, अगर 0 डे पर भी मिला, ऐसा होता नहीं है ना 0 डे पे दोस्त बन जाते हो, फिर भी आप नहीं समझते, फिर भी आप इमोशंस में इतने बह जाते हैं, अच्छा उसने मेडिसिन ली, साला मैं भी मेडिसिन लूंगा, चाहे मेरे बाप के पास 50,000 हो मत हो, 5 करोड़ हो मत हो। तो ये प्रेशर जो है ना आप जो क्रिएट करते हैं उनके ऊपर,
वो सर्कल है, क्या है वो सर्कल है, अगली बारी किसकी है, ठीक है। और आप वाली जो आखिर जो आपके आगे आएंगे ना, वो आपके भी वहां आएंगे। मेरी औलाद मुझसे भी 56 आगे आएगी, ठीक है। नहीं नहीं उस मेरी उम्र में आ गई, वो तो दोनों आ गई, कोई बात नहीं। लेकिन आपके साथ भी ऐसा ही होगा, तो इसलिए इमोशंस पे और अपनी लाइफ को इस दुनिया में कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई आपको परलोक भेज रहा होगा, दूसरे जीवन में भेज रहा होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगले सेकंड का लाइफ, मतलब मैं अगला सेकंड जी रहा हूं। ये सारा जितना भी धंधा चल रहा है ना दुनिया में, बाबाओं का, ताबाओं का, ढोल ढपंगियों का, अच्छे लोगों का, जिनका भी, वो सब किससे वैसे चल रहा है, लाइफ के दीवाने के लिए तो कहते हैं आप इस जन्म में ये सब करो तो अगले जन्म में ये होगा। कुल मिला के व्यवस्था तो यही कि मरने का व्यवस्था ही तो कर रहे हैं सब, और हम क्या चाह रहे हैं, जीना चाह रहे हैं, यही है। मेरा सर 5 मिनट पहले आ गई, ठीक है, ये लेड पॉइजनिंग है या आर्सेनिक पॉइजनिंग है, आपकी इस क्लास की अटेंडेंस कब होती है, ये वाली नहीं नहीं अगली आएगी जी।